हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग जो है उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं, और जो है नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर आप ढूंढ सकते हैं, या तो जो जो है अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या तो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है और इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, ऐसे लोगों को कहाँ से ढूंढें, ये सब चीज़ें जो है ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो ये एक्चुअल में हिंदी में मैं बना रहा हूँ, बट आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है अगर आप कर सकते हैं तो यही करें कि जो है आप इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करें, और ये जो तरीका है उससे आप अर्निंग भी काफ़ी हद तक कर सकते हैं कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे एक माइका करके कॉलेज है, उसका ये जो है स्टूडेंट था, और उसने क्या किया था कि उस टाइम पे जो है एक ये ब्लॉग जो है शुरू किया था, जिसके अंदर वो अलग अलग जो है इस तरीके के अलग अलग वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उसका रियल लाइफ में जहाँ जहाँ यूज़ होता है, उसका अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से किस तरीके से यूज़ होता है, उसका जो है ट्रांसलेशन, बहुत सारी चीज़ें, उसके वीडियोस बनाना, या तो फिर रियल लाइफ में वो कहाँ पे यूज़ हुआ था न्यूज़ चैनल के अंदर, तो ऐसी जगह से वो जो है वर्ड को ढूंढ ढूंढ के जो है एक आर्टिकल लिखता था। तो बेसिकली एक वर्ड जो है वो कितनी तरीके से यूज़ हो सकता है उसकी पूरी वो खुद प्रिपरेशन करता था, और वो अपनी खुद की प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर डालता था। तो अब ये एक बहुत बड़ा उसका अर्निंग का सोर्स बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सभी एड्स आ रहे हैं उससे उसकी अर्निंग होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसने अपनी जो है चैनल भी बनाया, सॉरी एक एप्लीकेशन भी बनाई है जिसके अंदर भी एड्स जो है चलती है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इसने समझाया है कि ये कैसे काम करता है, डेली वोकैब जो है वो सब चीज़ें यहाँ पर उसने दिखाई है। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो है इसने कैसे वर्ड्स को कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है वो खुद भी ढूंढ ढूंढ के जो है ये ब्लॉग बनाता है, और खुद की भी जो है वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, और दूसरों की भी जो है सहायता हो जाती है, खुद की अर्निंग भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड है, एड से अर्निंग होती है उसकी। तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि आपको जो है इंडिया के अंदर या तो इंडिया के बाहर जो है लोग जो है आजकल सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप के बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी ग्रुप जो है थीम ग्रुप्स जो होते हैं, तो उसमें आप जैसे पागल गए हैं, फिर जीमेट क्लब है जिसके अंदर आपको जो है बहुत सारे ऐसे एमबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, आईएलटीएस, टोफेल एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले जो है मिल जाएंगे, जीमेट प्रिपरेशन करने वाले जो कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के नंबर्स जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ऐसे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाए, और जो भी आपको सही लग रहा है उसके साथ जो है आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है ट्रैवलिंग करते हैं काउच सर्फिंग के थ्रू, और बहुत सारे लोग जो है इंडिया के अंदर मतलब फॉरेनर्स जो है काम भी करते हैं, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है, तो ये एक्चुअल में मेट्रो सिटीज़ में काम करेगा, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, ऐसे जो मेजर सिटी है उसके अंदर आपको इजीली जो है नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग जो है पर्सन मिल जाएगा, और उससे आप मिल के जो है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपका जो है कॉन्टेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है एक्सपर्ट ग्रुप्स बोलते हैं उसको, ये लोग जो है इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं या तो किसी और वजह से रह रहे हैं कुछ समय से, तो इनके एक्सपर्ट ग्रुप्स होते हैं, उनकी अलग अलग वेबसाइट होती है जहाँ से आप इनको ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आप अलग अलग कंट्री वाइज इसको ढूंढ सकते हैं कि अमेरिकन इन बेंगलोर, अमेरिकन इन दिल्ली, अमेरिकन इन पुणे, आपको जो है इस तरीके से लोग मिल जाएंगे और उनसे आप मिल के इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फिज़िकली दो तरीके हैं आप किसी को मिल के जो है नेटिव स्पीकर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक और तरीका है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्सचेंज वेबसाइट्स होती है अलग अलग, तो यहाँ पे आईटो की जो है बहुत ही पॉपुलर, इसके अंदर भी आपको जो है नेटिव स्पीकर्स और जो है जो भी सीख रहे हैं मतलब वो इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर जो है जो कि उसकी नेटिव लैंग्वेज अलग है बट इंग्लिश जो है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग भी आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सेम तरीके से जो है मिक्सर, ये बहुत काफ़ी पुराना है और इसमें भी काफ़ी लोग मिल जाते हैं, बट आईटो के अंदर तो आपको जो एकदम फटाफट मिल जाएगा, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आप इजीली जो है एक दिन के अंदर ही स्पीकिंग पार्टनर जो है ढूंढ सकते हैं। स्काइप पे आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, वाइबर पे कर सकते हैं, और सेम तरीके से जो है स्पीकी करके भी है, और इसके अलावा जो है आप इंडिया के अंदर जो है खास करके मेट्रो सिटीज़ के अंदर टोस्ट मास्टर क्लब होते हैं, और ये थोड़ा सा पेड होता है शायद, इसको भी आप ज्वाइन करके जो है आप इंग्लिश स्पीकिंग जो है या तो पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि जो है आप इंग्लिश को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और ख़ास करके आईटो की या तो इस तरीके की वेबसाइट है उसमें से आप जर्मन, फ्रेंच, रशियन
और भी लैंग्वेज जो है स्पेनिश पोर्टुगीज इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी जो है स्पीकिंग पार्टनर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप जो है इसको ज़रूर से ज्वाइन करें और आपका एक्सपीरियंस जो है कमेंट में शेयर करें। उसके अलावा आप जो है एक और चीज़ शेयर कर सकते हैं कि अभी जो है आपका कैरियर जो है उसका पाथ कैसा चल रहा है, आपने क्या किया है, क्या पढ़ाई की है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, कितनी कंपटीशन है जॉब मार्केट में, अभी क्या चल रहा है, वो सभी जो आपका एक्सपीरियंस है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और आपकी कोई क्वेरी है, डिफ़िकल्टीज़ है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं ट्राई करूँगा उसके जो है सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।